किसी बच्चे को लेने के लिए झुकता हूँ या कोई सामान लेने के लिए झुकता हूँ तो मेरे जो है कमर में ऐसा दर्द आ जाता है कि मैं न तो खड़ा रह सकता हूँ न बैठ सकता हूँ सर, मेरे को लेटना पड़ता है। यहीं पर जरा हमको करके दिखाओ, थोड़ी धीरे से आराम से झुको। हाँ झुको, वेरी गुड, खड़े हो जाओ। क्या बात है, अब तो नहीं लॉक हुआ, दोबारा से एक बार करके दिखाओ। ये लीजिए सर, आपका आशीर्वाद रहा सर। ये क्या बात है, आइए बैठिए। गुड, कार्ड नंबर 17182 श्री सत्य नारायण पवार जी। साथियों, कमर दर्द का केस मैं बार बार बताता हूं और आज मैं कमर दर्द की चर्चा इनको करने के साथ में प्रिकॉशन भी बताऊंगा कि अभी आपको रिलीफ हो गया, आप ठीक हो गए। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं मुझे कि साहब आप ठीक हो गए कि हमेशा ठीक रहेंगे, तो हमेशा ठीक रहेंगे इसकी गारंटी मैं कैसे दे सकता हूं? ये गारंटी तो आप भी दे सकते हो, तो जरूरी है ये जो मैं आपको बात बताने वाला हूं ये आप हमेशा अपने को ध्यान में रखना जो मैं पवार साहब को बताऊंगा। तो आपको दर्द है या दर्द नहीं है, या दर्द था ठीक हो गया, तो ठीक रहने के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक्स मैं पवार साहब को बताऊंगा, आप भी उनको ध्यान रखना। पवार साहब अपना परिचय भी दीजिए और क्या तकलीफ थी बताइए भी। मैं सर सत्यनारायण पवार, रिटायर्ड लेक्चरर, अजमेर डिस्ट्रिक्ट सावर विलेज। अच्छा, राजस्थान। तो विलेज मतलब गांव? गांव छोटा गांव। छोटा गांव है जी सर, जहां पर आप नौकरी करते थे। अच्छा, वहां से बाइक से जाता था और बाइक से वापस आता था। कहां जाते थे बाइक से? मैं बाइक से मेरी ड्यूटी पे जाता था सर, तो उस समय मेरे कितनी दूर बाइक पर जाते थे? वो करीब 60 किलोमीटर था। एक तरफ से वन साइड से 60 किलोमीटर गांव में 60 किलोमीटर बाइक पर जाना। अच्छा, वापस आना, 2 घंटे जाने में 2 घंटे आने में लगते थे। और टाइम का सर मैं पंचुअल था, 1 मिनट भी लेट होना नहीं पसंद करता था। अच्छा, कुछ भी हो तकलीफ, उस समय में मैं तकलीफ में भी गया और ऐसी स्थिति आ गई मेरी। बाद में मेरे स्लिप डिस्क हो गई सर। अच्छा, बिस्तर से मैं उठ भी नहीं पाया, रात को सोया उसमें उठ भी नहीं पाया मैं। अच्छा, मैंने चाय भी सोते सोते पी। फिर मैंने परिवारजन को बुलाया, उन्होंने देखा ऐसी क्या स्थिति हो गई, फिर मेरे को जयपुर लेके गए थे। अच्छा, जयपुर SMS में मेरा ट्रीटमेंट चला सर, हॉस्पिटल SMS हॉस्पिटल। अच्छा, हॉस्पिटल में 2 महीने तक ट्रीटमेंट चला था और उन्होंने मेरे को 15 दिन तक बेड रेस्ट के लिए कहा, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं। ओके। और उन्होंने मेरे को, डॉक्टर साहब ने ये बात बताई कि मेरी 2 बात ध्यान रखना। हाँ। पहली बात, अगर आपके रूम में भगवान भी आ जाए तो उठकर प्रणाम मत करना। अरे मतलब भगवान भी आ जाए तो उठ के प्रणाम मत करना, क्या बात कैसे करते? दूसरी बात, अगर काला सांप भी आ जाए तो आप बैठे मत हो जाना, आप लेटते रहो, करवट पलटते रहना लेकिन बैठे मत हो जाना। क्या फ्रैक्चर हो गया था? मेरे स्लिप डिस्क हो गई। स्लिप डिस्क, फ्रैक्चर तो नहीं था ना? फ्रैक्चर नहीं था सर। क्या बात है, मतलब काला सांप भी आ जाए तो गोल गोल घूम जाना, ये बात बोले हो? जी सर। अच्छा, उसके बाद में काफी 6 महीने तक मेरा चलती रही, बाद में मैं ठीक हो गया। अच्छा। लेकिन ये मेरी जो बीमारी रही सर, मैं कमर दर्द की, कमर दर्द की अभी तक भी मैं जैसे किसी बच्चे को लेने के लिए झुकता हूँ या कोई सामान लेने के लिए झुकता हूँ तो मेरे जो है कमर में ऐसा दर्द आ जाता है कि मैं न तो खड़ा रह सकता हूँ न बैठ सकता हूँ सर, मेरे को लेटना पड़ता है। और ये कभी भी ऐसा करें तभी आता है? हाँ जी जी सर। तो झुकने से तो आपको बड़ा डर लगना शुरू हो गया। वही तो सर, मैं झुकना चाहता ही नहीं हूँ जैसे, लेकिन मजबूरी में जैसे बच्चा आ गया, पता आ गया तो उसको उठाने के लिए जैसे नीचे झुका मैं तो मेरे दर्द आ जाएगा। उसमें मेरी स्थिति ये हो जाती है कि मैं न तो खड़ा रह सकता हूँ न बैठ कुर्सी पे बैठ सकता हूँ न पलंग पे बैठ सकता हूँ, मेरे को लेटना पड़ता है सर। अच्छा। और मैं कम से कम 4 दिन तक सोते मैं गोली लेता हूँ, चाय पीता हूँ, सब काम मेरी जो दैनिक क्रिया है वो लेटे लेटे करता हूँ, सब बिस्तर पर, सारे बिस्तर। ये स्थिति है मेरी। तो मैं सोच रहा हूँ, मैंने सोचा, मैंने कहा सर के पास जाया जाए, आरोग्य पीठ का नाम सुना सर, मैंने वीडियो खूब देखे, मैंने सर यूट्यूब पे वीडियो खूब देखे हैं और मेरी परिस्थिति ऐसी रही है, पारिवारिक परिस्थिति मेरी अनुकूल नहीं रही है, नहीं तो मेरा ये दिली इच्छा थी पहले भी तो मैं कोर्स करके यहाँ सीख के जाऊंगा। नहीं करना है, कोर्स तो करना ही है। ओके, तो अभी आपको यहाँ 2 दिन हो गए? 2 दिन हो गए ट्रीटमेंट लेते लेते। और दर्द में आए थे? दर्द में आया था मैं। और इस समय दर्द? हाँ, अभी मेरे दर्द मेरे बिल्कुल, मैं जैसे परफेक्ट समझ रहा हूँ मेरे अपने आप को। तो मैं काम करूंगा जी, आपको झुकवा करके देखना चाहूंगा जी सर, है ना भाई? यही समस्या है ना कि झुकना मुश्किल है, तो एक बार चल के जाओ। मेरे साथी को भी लेके आया हूँ, जमील लेकर आए, लेके आया हूँ अजमेर सावर से, ताकि मैं मान लो दिल्ली जाऊँ इलाज के लिए और ऐसा बीमार हो गया तो मेरे को समझ वाला कौन है? सही बात है।
इसलिए उनको साथी को भी लेके आया सर। अच्छा कि अचानक अगर कुछ हो गया तो मुझे तो कोई उठाए, मतलब आप तो वहां तो एकदम जाम हो जाएंगे, एकदम लॉक हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे। डोंट वरी, जाओ घूम कर आओ, देखते हैं लॉक को भी देखते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट हुआ है। हाँ, मूवमेंट करो, शाबाश, आओ सामने, बस, वेरी गुड। अब यहीं पर जरा हमको करके दिखाओ, थोड़ी धीरे से आराम से झुको, हाँ झुको, वेरी गुड, खड़े हो जाओ। क्या बात है, अब तो नहीं लॉक हुआ, दोबारा से एक बार करके दिखाओ। ये लीजिए सर, आपका आशीर्वाद रहा सर ये। क्या बात है, आइए बैठिए, गुड। अरे अब ये आपका लॉक है ना, परमानेंट खुल गया है, यही परमानेंट खुल गया है, यही मैं कामना लेके आया। हाँ। और मेरी इच्छा, दिली इच्छा और मैं सीखूंगा सर ये कोर्स, मेरी बहुत बिल्कुल। अब मैं जो चीज बता रहा हूँ जी सर, ये काम आपने घर रोज करना है जी, फिर आपका ये लॉक, अभी तो आप आज आपको दो ही दिन हुए हैं, लेकिन ये ट्रीटमेंट थोड़ा और ज्यादा चाहिए, 10-12 दिन ट्रीटमेंट कम से कम चाहिए जी सर। लेकिन तब तक ये दोबारा लॉक न आए जी, इसके लिए जरूरी है जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये काम करना है। सत्यनारायण जी का ध्यान रखना, डॉर्सल में तकलीफ आई, लंबर में तकलीफ इतनी नहीं है, इतनी डॉर्सल में तकलीफ है। ये डॉर्सल की तकलीफ को छुट्टी कैसे करना है, उसके लिए मैं टेक्निक आपको बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइज आप करना सत्यनारायण जी जी, है ना। अब आपको ऐसे पूरे बैठ गए ना, पहले हल्का सा ट्रैक्शन दो, पहले हाथों को दोनों को खींचो, नंबर वन ऊपर खींचो और धीरे धीरे खींचो, सांस लेकर के रोक लो सांस और छोड़ दो, नीचे आओ, फिर से इसी प्रक्रिया को करो, सांस लो खींचो और सांस छोड़ दो, गुड। अब यहीं से थोड़ा सा सांस लेकर पीठ लगा लो कुर्सी पर, धीरे से, झटका नहीं जाना चाहिए, कुर्सी पूरी सपोर्ट वाली होनी चाहिए, अगर प्लास्टिक की कुर्सी भी है ना तो आराम से करना, और धीरे से थोड़ा सा पीछे की तरफ झुका लो, थोड़ा सा, बस वापस। अब जो बता रहा हूं ये अगली एक्सरसाइज आपकी कमर के लॉक को खोलने वाली है, दोबारा लॉक न लगाने वाली है। अपने हाथ को ऐसे रखो जी, आपको ऐसे घूमना है, समझ आ रहे, ऐसे घूमना है, लेकिन तरीका क्या है, धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ, ये वाला हाथ ऐसे बढ़ाओ, पूरा पीछे तक लेके जाओ, है ना, लेके जाओ और पीछे ले जाओ, इस हाथ को और आगे ले जाओ, और ले जाओ उसको भी ले जाओ, नहीं नहीं इस वाले हाथ को पीछे करो, गुड, बस केवल 5 सेकंड रुकना है, वापस आओ, धीरे धीरे वापस आओ, धीरे धीरे वापस आओ, अब उस साइड जाओ, धीरे धीरे वापस आओ, हाँ शाबाश, जितना हो सकता है उतना करो, जितना हो सकता है उतना करो, वेरी गुड, धीरे से सामने, 3 एक्सरसाइज यही काम, बस धीरे धीरे लेके जाओ और थोड़ा सा रुकने के बाद फिर धीरे से वापस, यही प्रक्रिया इधर भी करो मैक्सिमम, ये दिन में 4 बार करना है, कितनी बार करना है, 4 बार करनी है, और हर एक एक्सरसाइज 4-4 बार कम से कम करनी है। अरे कुर्सी पर बैठ के करनी है, कहीं खड़ा होने की जरूरत नहीं है। ये आपका लॉक जो डॉर्सल में तकलीफ आ रही है, जो आपकी डिस्क जो है वो स्लिप हो गई है, वो लंबर और डॉर्सल के बीच वाली है, यानी T12 और L1 के बीच वाले में तकलीफ है आपको, तो ये वाली एक्सरसाइज से ये एकदम बढ़िया आपको हो जाएगा। ये इनके लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है, क्योंकि पवार साहब को तो ये तकलीफ है, लेकिन इनके कारण से मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए इनको धन्यवाद करो, और इसके लिए जरूरी है एक लाइक का बटन दबा दो, इनके लिए बहुत आवश्यक है, जैसे आप लाइक का बटन दबाएंगे तो इनको धन्यवाद हो जाएगा। तो ये जो एक्सरसाइज इनके कारण जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिकल जीना है, भाषण में नहीं रहना है, प्रैक्टिकल जीना है, जिसको जो तकलीफ है उससे वो ठीक हुआ है, अरे उसको रिपीट करो, मैं हर बार बताता हूं, जो अच्छा लगा उसको रिपीट करो, जो खराब लगा उसको छोड़ दो, भगवान कृष्ण भी गीता में यही कहते थे कि भाई जो हित करे उसको ले लो, अहित करे छोड़ दो, यही कहते, तो भगवान कृष्ण का ही संदेश हम लेके चल रहे हैं, लेके चल रहे हैं, और इस आरोग्य पीठ का भी नाम सार्थक हो रहा सर, बिल्कुल पीठ आरोग्य, हाँ आरोग्य की पीठ, बिल्कुल ठीक बात है, मेरा जो पीड़ा है थी पीठ की, ये आरोग्य, बिल्कुल पीठ का आरोग्य, क्या परफेक्ट, सही बात है जी सर। तो इनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट देखने के बाद आनंद आता है, तो आप ये एक्सरसाइज करो जी सर, इसका प्रयोग करो, अगर दर्द है तो करो और नहीं है तो भी करो, जिससे कि इस डिस्क कब आपकी खिसक जाए आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता जी सर। तो आप न खिसके, इसके लिए कितनी देर लगी होगी इस एक्सरसाइज को करने में, मुश्किल से 3 मिनट जी, मुश्किल से 5 मिनट दे दो अपने को भाई, बिल्कुल देंगे सर, केवल 5 मिनट दे दो अपने को, केवल 5 मिनट करो जी, अपनी कमर के दर्द से बचो जी।
चाहे गृहिणी हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे कॉर्पोरेट जगत के देवता, सारे कॉर्पोरेट जगत के लड़के लड़कियां, मैं कहता हूं कमर गर्दन और सिर दर्द से तो जूझे पड़े हैं और घर की माता बहनें सब घुटनों से जूझी पड़ी हैं। मैं चाहता हूं ये सब अपनी जगह पर ही ठीक रहने चाहिए। पहले अपनी जगह करो, वहीं ठीक हो जाओ, जब वहां ना ठीक हो तब मेरे पास आओ, क्योंकि मेरे पास आके तो खर्चा करना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा, काम छोड़ना पड़ेगा। मैं चाहता हूं अपने घर में ही ठीक हो जाओ, पहले वहीं ठीक हो जाओ, ना हो फिर तो मैं हुई, उसकी तो कोई बात ही नहीं। तो ये इनका जो कराया हुआ संदेश अधिकतम लोगों को शेयर करें, और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्यों? आने वाले दिनों में मैं ऐसे एक एक अंग की एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूं, चाहे कलाई का दर्द है, बहुत से लोगों को कलाई दर्द आता है, कंधा जाम हो जाता है, पीठ के अलग अलग रोग हो जाते हैं, सिर दर्द होने लगता है, घुटने वालों का तो मैं बहुत सारी एक्सरसाइज डाली भी हूं और भी डालूंगा। तो ये मैक्सिमम एक्सरसाइज आप करिए और मैं चाहता हूं आप स्वस्थ रहिए और फिट रहिए, इसी से हमारा देश निरोगी बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।